तो बेल बॉटम मूवी ऑफिशियली कहाँ रिलीज होने वाली है इसको लेकर काफी हद तक डाउट था। कई सारे लोग ये कहे थे कि ये फिल्म शायद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाएगी, कई सारे लोग इसे कह रहे थे कि नेटफ्लिक्स पर जाएगी और कई सारे लोग अमेजोन प्राइम की बात कर रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, कल ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और फाइनली ये कन्फर्म हो गया है कि ये फिल्म कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। और यहाँ पे आपको बता दूँ लोगों के मन में डाउट क्यों था वो भी मैं आपको बता दूँ इससे पहले कि मैंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपने OTT रिलीज तो जरूर करिएगा। और यहाँ पे बड़ी अपडेट ये है कि अमेजोन प्राइम पे आने वाली है बेल बॉटम। आपको याद होगा लक्ष्मी फिल्म, अक्षय कुमार की लक्ष्मी फिल्म जो पिछले साल नवंबर महीने में रिलीज हुई थी 2020 में, और लक्ष्मी फिल्म जो रिलीज हुई थी आपको पता है किधर रिलीज हुई थी? वो रिलीज हुई थी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे लक्ष्मी फिल्म रिलीज हुई थी। इसके अलावा एक और बड़ी बात आपको बता दूं, जो अक्षय कुमार की आने वाली एक और फिल्म है सूर्यवंशी, उसका डिजिटल राइट्स जिसने खरीदा है वो है नेटफ्लिक्स। यानी कि अक्षय कुमार की एक फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने दिखाया है लक्ष्मी को, दूसरी जो आने वाली फिल्म है सूर्यवंशी वो आने वाली है नेटफ्लिक्स पर, और तीसरी जो फिल्म है यानी कि बेल बॉटम वो आ चुकी है अमेजोन प्राइम पे। यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अक्षय कुमार की तीनों अलग अलग फिल्में रिलीज हुई है, और रिलीज सूर्यवंशी बाकी है, बाकी तो रिलीज हो चुकी है। तो इसलिए लोगों के मन में डाउट था कि अक्षय कुमार की ये जो फिल्म है यानी कि बेल बॉटम ये कहाँ पे रिलीज होगी, ये सूर्यवंशी की तरह नेटफ्लिक्स पर जाएगी या लक्ष्मी की तरह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाएगी। तो दोस्तों अब ये फाइनल कंफर्मेशन हो चुका है कि अक्षय कुमार की ये जो फिल्म है बेल बॉटम ये ऑफिशियली अमेजोन प्राइम पे रिलीज होगी। और इसके अलावा बड़ी अपडेट जो मैंने कल भी आपको दिया था वापस से इसमें एड ऑन कर देता हूँ, वो बड़ी अपडेट ये है कि आपको इस फिल्म को देखने के लिए OTT पर ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। ये फिल्म आप अपने लैपटॉप पे या फिर आपके मोबाइल हैंडसेट्स पे, अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है अमेजोन प्राइम का तो वहाँ पर आप देख सकेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते बाद। और अगर सब कुछ सही रहा तो 2 हफ्ते बाद का जो टाइम है वो 2 सितंबर का टाइम है, 2 या 3 सितंबर को ये फिल्म दोस्तों आ जाएगी ऑनलाइन पर, आप अमेजोन प्राइम के थ्रू देख सकते हैं। यानी कि अक्षय कुमार की बर्थडे के 1 हफ्ते पहले ये फिल्म आपको OTT पर मिलेगी। फिलहाल ये तो कन्फर्म है कि USA में ये फिल्म अमेजोन प्राइम पर दिखाई जाएगी 2 हफ्ते में, लेकिन ये अभी तक कन्फर्म नहीं है कि क्या इंडिया में भी ये फिल्म 2 हफ्ते बाद आएगी। क्योंकि अगर इंडिया के थिएटर वाले अगर थोड़ा सा प्रोटेस्ट करें या फिर इस फिल्म के खिलाफ कुछ अगर बोलेंगे तो शायद 2 का 3 हफ्ता हो सकता है इंडिया में, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये फिल्म स्पेशली USA में OTT पर 2 हफ्ते में ही आ जाएगी अमेजोन प्राइम पे। तो ये फिलहाल की बड़ी अपडेट है, ये फिल्म ऑफिशियली अमेजोन प्राइम पे आने वाली है और 2 हफ्तों में। इसके बारे में आप ही क्या राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।